प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद आएंगे। इसको लेकर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर आज धनबाद के भाजपा जिला कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के नेताओं के साथ साथ धनबाद सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, बोकारो के विधायक विरंची नारायण, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह, सिंदरी विधायक पत्नी तारा देवी के साथ साथ प्रदेश और जिले के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा और विधायक राज सिंह समेत अन्य लोगों ने बरवाड़ा स्थित एयरपोर्ट का जायजा लिया, जहां पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट पर जनसभा कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। वही मौके पर जिले के भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने बताया कि 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आएंगे। इस अवसर पर सिंदरी स्थित हरल कारखाने का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा 2024 चुनाव के पहले प्रधानमंत्री का धनबाद आना कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा प्रदान करेगी। धनबाद की पावन भूमि पर 1 मार्च को होने वाला है। लगातार लंबे समय से धनबाद के लोग, हम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं और वो घड़ी आ गई है, 1 मार्च को प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागमन होने वाला है। उसी के तैयारी के दृष्टि से अधिक जन भागीदारी हो सके, जनता प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सके, अभिनंदन कर सके, अधिक से अधिक संख्या में लोग हमारे संपर्क के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए धनबाद कार्यक्रम स्थल तक पहुँचे, उसकी एक विस्तृत चर्चा करके एक कार्ययोजना आज की बैठक में बनाई गई। कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी हवाई अड्डा पर आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 2024 में जब चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो एक प्रकार से झारखंड में प्रधानमंत्री जी का ये आगमन इस चुनाव के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी विकास की जो योजनाएं पिछले 10 वर्षों में पूरे देश को उन्होंने दी है, झारखंड में जो उस दिन हरल में खाद कारखाने का भी उन्होंने शिलान्यास किया था, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, ये योजना भी केवल झारखंड के लिए नहीं पूरे देश के विकास में एक नई गति प्रदान करेगी। तो इस प्रकार की विकास की योजनाओं के उद्घाटन के दृष्टि से और भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ उनका आगमन, दोनों दृष्टि से ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण और भव्य होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि ये संगठन अब एक चुनाव लड़ने वाली मशीन की तरह है। 365 दिन 24 घंटा हमारे कार्यकर्ता हर प्रकार की चुनाव और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आप पूरे देश में उठा के देखिए, हर चुनाव को हम बड़ी गंभीरता से, बड़ी तैयारी के साथ लड़ते हैं। हमारा जो मैकेनिज्म है, कार्य पद्धति है, वो बड़ा वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया गया है, जिसमें बूथ से नीचे पन्ना प्रमुख और पन्ना कमेटियां, वहां तक हमारी एक सक्रियता का मैकेनिज्म है। उस स्तर से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके हम चुनाव का संपादन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक निश्चित कार्यपद्धति मैकेनिज्म है और प्रधानमंत्री जी का आना उसमें और उत्साह बढ़ाता है।